मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.2 क्लास फिफ्थ मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी पैक्ड आइदर 24 इन अ पैकेट आर 30 इन अ पैकेट. आपको एक ऐसा मिनिमम नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है, मतलब एक ऐसी संख्या ढूंढनी है चॉकलेट के लिए कि वो पैक्ड हो जाए 24 पैकेट में या 30 पैकेट में, मतलब इस पैकेट में उसका बैलेंस बन जाए. तो हम सॉल्व करेंगे. द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी पैक्ड. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी पैक्ड आइदर 24 पैकेट आर 30 इन अ पैकेट. आपसे ऐसी संख्या वो मांग रहा है, ऐसी संख्या चाहता है कि चॉकलेट की, कि मतलब उसको 24 पैकेट में पैक करिए या 30 पैकेट, दो में से किसी में पैक कर सकते हैं. तो द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी पैक्ड आइदर 24 इन अ पैकेट आर 30 पैकेट. तो मिनिमम से आपको ये समझ में आ जाता है, जैसे मैंने मिनिमम यहाँ अंडरलाइन किया है, तो जब हम मैक्सिमम या लार्जेस्ट पढ़ते थे तब उसमें हम एलसीएम करते थे, लेकिन जब आपका मिनिमम दिया रहेगा तो आपको वहाँ पर एलसीएम करना है. यहाँ पर बस आपको एलसीएम निकालना सीखना है. तो आपने दो नंबरों का एलसीएम निकाला, 24 और 30. मैंने आपको बताया था कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो नंबरों को सेपरेट कर लेते हैं. तो 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 5 10. अब 2 6 12, 15 का 15 उतर आया, 2 3 6, 15 का 15 आ जाएगा. अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 5 15, फिर 1 का 1 रहेगा और 5 1 5. तो जब एलसीएम आपने 24 और 30 का निकाला तो आप जो ये आपके फैक्टर दिए गए हैं इसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 120 चॉकलेट. क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सीट ऑफ पेपर आर रिक्वायर्ड टू मेक नोटबुक कंटेनिंग 32, 40 और 48 सीट पेपर विदाउट लेफ्ट एनी सीट. आपको ऐसे लीस्ट नंबर ढूंढना है इन तीनों नंबरों में, कोई भी नंबर हो सकता है, जो मतलब नोटबुक बनाने के लिए पेपर सीट उतनी ज़रूरत हो. अब उन पेपर सीटों में आपकी 32 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, और विदाउट लेफ्ट एनी सीट, मतलब ऐसी कॉपी या नोटबुक आपको तैयार करनी है उन सबसे कम पेजों की जिसमें कोई भी लेफ्ट सीट ना बसती हो. तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सीट ऑफ पेपर दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ नोट. हमको एक लीस्ट नंबर ढूंढना है पेपर सीट ऑफ पेपर का, जो आपके नोटबुक बनाने के लिए कंटेनिंग 32, 40 या 48 सीट ऑफ पेपर विदाउट लेफ्ट एनी सीट. आप जो ये नंबर दिए गए हैं इनमें से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट इसमें यह है कि आपको जो लीस्ट नंबर आप ढूंढेंगे उसमें से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो कोई भी एनी सीट नहीं बचनी चाहिए, मतलब आपका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. तो आप लिखेंगे द लीस्ट नंबर ऑफ सीट ऑफ पेपर दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक नोटबुक कंटेनिंग 32, 40 और 48. आपने इसका एलसीएम निकाला, लीस्ट से भी समझ में आ जाता है कि हमको एलसीएम निकालना है. एलसीएम निकाला आपने तो 2 1 2 2 6 12, 2 2 4 0 0 उतर आए, 2 2 4 2 4 8, अब 2 8 16, 2 1 2 0, तो 10 आ गया, 2 10 20, 2 1 2 2 2 4, फिर 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 से फिर किया 2 2 4, 5 का 5, 2 3 6 3, फिर 2 से किया तो 1 आ गया 5 3. अब आप क्या करेंगे, अब आप 3 से कर लीजिए तो 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 ये गलत हो गया था थोड़ा सा, फिर हम 5 से करेंगे तो आपका ये पूरा 1 तो उतर आएगा, 5 1 5 5 1 1 का 1 आ जाएगा. जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 3, तो आपका आ जाएगा 480 सीट्स. अब देखो जैसे आपका आंसर 480 आ गया ना, अब मैं क्या जो बोल रही थी कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो यदि हम देखिए आपकी 3 संख्याएं 1 2 3, तो 480 को जब आप 32 से डिवाइड करते हैं, जब आप 480 को 32 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 15, आपका रिमाइंडर नहीं बच रहा है. अब आप 480 को यदि 40 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा,
तो आपका आ जाएगा 12, ठीक है, 0 0 कट गया, 4 1 4, 4 2 8, 12 आ गया, इसमें भी रिमाइंडर नहीं बचा। और जब आप 480 को 48 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 48 1 4 48, और ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि कहीं भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो वही वो कह रहा है कि पेपर विदाउट लेफ्ट एनी शीट ऐसा नंबर ढूंढो कि यदि इन नंबरों के हिसाब से हम कॉपी बनाएं या किताब बनाएं, नोटबुक बनाएं, तो हमारे पास कोई भी लेफ्ट शीट नहीं बचनी चाहिए।